उमर अयूब साहब जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। ये तो बताएं कि अब आप वज़ीरे आज़म का इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं और गले की आपकी ये हालत है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हमारा तो खून भी हाजिर है अपने लीडर कायद इमरान खान साहब के लिए। कंटेस्ट करेंगे, मुकाबला करेंगे, ज़बरदस्त किस्म का करेंगे। और ये क्रेडिट मेरे हर दिल अज़ीज़ वज़ीरे आज़म इमरान खान साहब को जाता है कि मुझ जैसे सियासी वर्कर को जिसको हरिपुर के अवाम ने यहाँ पे पहुँचाया और रब की मर्ज़ी के साथ और मेरे कायद की मर्ज़ी और मतलब मेहरबानी थी कि उन्होंने नामज़द किया, क्योंकि मेरा कोई खूनी रिश्ता नहीं है इमरान खान साहब के साथ। मेरे नाम के साथ कोई न्याजी या कोई नहीं लगता। अदना कारकुन इसी तरह डोगर साहब को देखें, इसी तरह को जुनेद अकबर खान को देखें, हर एक शख्स को होम मेरिट पर अल्हम्दुलिल्लाह नामज़द करते हैं। यही खूबसूरती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अच्छा उमर अयूब साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या जो मुश्किल वक्त था वो अब ख़त्म हो चुका है, स्पेशली तौर पर आपकी जमात के हवाले से? हम लोग रब का हर हालत में शुक्र अदा करते हैं। हमारी जमात अभी एक फौलाद की जमात बन गई है। हमारे जमात में से जो कमज़ोरियाँ थी वो निकल गई हैं और ये रब की मेहरबानी है। एक बिल्कुल तलवार बन गई है जो कि लोगों की, अवाम की उमंग के ऊपर यहाँ पे इंशाल्लाह ताला कौमी असेंबली में और सेनेट में और सूबाई असेंबलियों में नुमाइंदगी करेगी। आपने बात की कि हम लोग दूसरे हमारे जो दोस्त हैं उनकी भी बात करेंगे जो कि इस वक्त पाबंद सलासल हैं, दीगर की बात करेंगे, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि वो जो आपके जो दोस्त थे, साथी थे, जो कि अब भी जो हैं वो रोपोश हैं बहुत सी वजूहात की बिना पर, तो उनके हवाले से क्या आपकी कोई बात करेंगे या उनको लाने के लिए क्या आप लोगों का क्या उसके हवाले से क्या स्ट्रेटेजी है? मुराद सईद और दीगर की मैं बात कर रहा हूँ। हमारे बड़े प्यारे भाई हैं मुराद सईद साहब, हमारे बहुत सारे और साथी हैं शिवरी फराज साहब, बहुत करीबी आप समझें कि कीमती साथी हैं जो रूपोश हैं उनके लिए। हम लोग अपने कासिम सूरी साहब हैं, बहुत करीबी साथी हैं हमारे भाई हैं। सबसे अहम हमारे पास हमारे अपने लीडर हर दिल अजीज़ इमरान खान साहब, उनकी अहलिया बुशरा बीबी, चौधरी परवेज़ इलाही साहब, मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब, हमारे मेंबरान इजाज़ चौधरी साहब, मियाँ साहब, हमारे जितने साथी और हमारी ख़वातीन जो इस वक्त पाबंद सलासल हैं उनको इंशाल्लाह ताला हम लोग जेलों से निकालेंगे, अपने वर्कर्स को निकालेंगे और रूपोशी अदालतों के ज़रिए, मैं ख़ुद भी, मैं इस वक्त ट्रांजिट बेल पर हूँ, हम लोग उस पूरे प्रोसेस से भी गुजरना पड़ेगा। हम सारों पे, किसी पे कत्ल के मुकदमे हैं, किसी पे डकैती के मुकदमे हैं, वो हम लोग फाइट करेंगे, पर पीछे हटने वाले नहीं हम लोग। जब हुकूमत और अपोजिशन, जाहिर सी बात है जब पार्लियामेंट में होते हैं तो बैठते हैं, बातचीत होती है, तो जब हुकूमत वाले आपके पास आएंगे तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं आप उनके सामने चीज़ें रखेंगे? हम लोग उनसे, वो मजबूर होंगे रखेंगे। ये अभी आप देख रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर ये एक ट्रेलर के ट्रेलर का ट्रेलर था, फीचर फिल्म अभी आएगी इंशाल्लाह। हुकूमत को पता लगेगा कि ये जो अभी आ रहे हैं कि हमारा मैंडेट 180 सीटों का इन्होंने चोरी की है, वो इंशाल्लाह ताला हम लोग रिट्रीव करेंगे, वज़ीर आज़म हमारा इमरान खान होगा। ये आपसे सिर्फ एक आखिरी में कुछ सवाल करूँगा, सिर्फ एक दो, ये बताएँ कि महमूद खान के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है क्रिटिसिज्म सामने आ रहा है तरीके इंसाफ पर, और वो पाकिस्तान के शहरी नहीं है क्या? लेकिन वही बात है कि खान साहब की बात जो की जा रही है कि जिस तरह खान साहब उनकी नकलें उतारते थे, तमाम तर मामलात जो हैं वो सामने आ रहे हैं उनके नाम के हवाले से, क्या वजह थी? क्या कोई और कैंडिडेट नहीं था आप लोग? महमूद खान साहब ने एक ही बात की, इंस्ट्रक्शन है कि उन साथियों से बात करें जो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए खड़े हैं, और उसके ऊपर हमने बात भी की है। और हम लोग महमूद खान चकज़ई साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के साथियों का, कि बलूचिस्तान में जो इस वक्त महरूमियाँ हैं उसको वो सामने लाएंगे, फ्लोर ऑफ द हाउस पे हम लोग उसको उसके साथ देंगे। वज़ीर-ए-आला जो बने हैं सरफराज बुगटी साहब, क्या उनको आप लोग मुबारकबाद देंगे या आप लोग उनके मुखालफत करते हैं? वो तो सूबाई वज़ीर-ए-आला है, हम तो यहाँ पे मरकज की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे इंशाल्लाह ताला महमूद खान साहब हमारे पार्टी के कैंडिडेट भी, हमारे जॉइंट कैंडिडेट है, और उनको हम लोग सपोर्ट करेंगे। उम्मीद है कि अपोजिशन लीडर भी आपका ही नाम होगा?
ये इमरान खान साहब की मर्जी है, वो जिस किसी को नॉमिनेट करते हैं। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।